देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी ने अपनी नई वैगनार को आखिरकार भारत में फाइनली लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। कार के लिए बुकिंग प्री बुकिंग स्टार्ट भारत के लिए की जा चुकी है। नई थर्ड जनरेशन वैगनार अपने अंतर्राष्ट्रीय मॉडल की तुलना में भारत में काफी बड़ी डिजाइन की गई है, यानी अब ये पुराने मॉडल की तुलना में अपडेटेड स्पेस के साथ आप सभी को दिखाई देने वाली है। ये भारत में पहले से मौजूद शिफ्ट तथा और डिजायर पर ही आधारित की गई है, यानी इस कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म के द्वारा पेस्ट किया गया है। नई कार पिछले मॉडल की तुलना में काफी बड़ी और इसमें ज्यादा इक्विपमेंट्स ऑप्शंस तथा नए फीचर्स तथा नए इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। पूर्ण रूप से नए अवतार के साथ इस कार में टोटली सब कुछ चेंज कर दिया गया है। इस कार के मुकाबले भारतीय बाजार में खास तौर को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कारों को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं कि नए साल के दौरान हमारी चहेती कार वैगनार में पूर्ण रूप से क्या खास फीचर्स से लेकर क्या आंतरिक बदलाव हमें इस कार में दिखाई देते हैं। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वैगनार यानी 2022 में आने वाला आप सभी के नए मॉडल के एक्सटीरियर की तरफ गौर किया जाए तो पुराने मॉडल की तुलना में इस कार को ज्यादा एग्रेसिव तथा एक नए अवतार के साथ लाने की प्लानिंग भारत में की जा चुकी है, यानी यूथ को ध्यान में रखते हुए इस कार को एक मॉडल डिजाइन दिया गया है। न्यू जनरेशन वैगनार भारतीय बाजार में 3655 mm लंबी दिखाई देने वाली है और 1620 mm चौड़ाई के साथ आने वाली है। भारत में इस कार का व्हील बेस 2435 mm, इस कार में नए फ्लोटिंग रूफ डिजाइन इस्तेमाल किए गए हैं। कार के फ्रंट पे आप सभी को ओरियम्स के साथ नए एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप दिखाई देता है, क्योंकि पुराने मॉडल की तुलना में नेक्स्ट जनरेशन वैगनार को काफी कूल तथा स्मार्ट बनाता है। कैबिन में ये नए डैशबोर्ड तथा मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग अपडेट नए डिजाइन के साथ आने वाली है। कार के अंदर कंपनी फिटेड 16-inch के डायमंड कट डुअल टोल कलर ऑप्शन के साथ एलॉय व्हील को साझा किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन वैगनार में हॉरिजॉन्टल लाइनअप के साथ अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते कार में क्रोम फिनिशिंग का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है, जिसमें बीच में आप सभी को ब्रांड न्यू सुजुकी का लोगो दिखाई देता है, जिसके चलते भारत में नेक्स्ट जनरेशन वैगनार को एक मस्कुलस लुक प्रदान किया है। भारत में आने वाली 2022 सुजुकी वैगनार में पूर्ण रूप से नए जनरेशन मॉडल में काफी बड़े बदलाव आप सभी को दिखाई देते हैं। इस कार को पूर्ण रूप से बॉक्सी डिजाइन ना देते हुए एक ग्लोबल डिजाइन दिया गया है। एक माइक्रो एसयूवी कार की तरह इस कार को बनाने की पूर्ण रूप से बजट सेगमेंट में मारुति ने कोशिश की है, जो कि अपने ग्राहकों को इस कार से लुभाना चाहती है। वैगनार में हुए ज्यादातर बदलाव कार के फ्रंट तथा लुक में ही किए गए हैं, जो कि इस कार को पुराने मॉडल से बिल्कुल ही नए अपडेट के साथ दिखाया गया है, यानी एक ही नजर में ये कार आप सभी को फाइनली दीवाना बनाने वाली है। मिले गए कार के अंदर शानदार इंटीरियर तथा फीचर्स, तो नई वैगनार के इंटीरियर की सबसे पहले बात करी जाए तो कार को ब्लैक कॉम्बिनेशन लेदर अपडेट्स के साथ डैशबोर्ड को संचालित किया गया है, जो कि बैठने के बावजूद कार में एक प्रीमियम इंटीरियर का फील आप सभी को देने वाली है, यानी महंगे कार वाला फील इस कार में आप सभी को मिलने वाला है। डैशबोर्ड के साइड में दोनों तरफ आप सभी को लेदर से अपडेट विंग्स, ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की सुविधा मिलती है, जो कि 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन ऑप्शन से अपडेट की गई है, यानी अंदर की पुच वायु को अपडेट करते हुए आपको पूर्ण रूप से काफी अच्छा अनुभव देने वाली है। कार के सेंटर कंसोल में आप सभी को पुराने मॉडल की तुलना में एक बड़ा यानी 7-inch का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम से संचालित किया गया है। बता दूं कि UVI कनेक्टिविटी फीचर्स अभी तक नेक्स्ट जनरेशन वैगनार में ही आया है, ना ही आप सभी को सिलेरियो तथा ऑल्ट्रो के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट में ये दिखाई देने वाला है। इस फीचर्स के तहत अपनी कार के फंक्शंस को नए एक्सपीरियंस के साथ वॉइस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि आप सभी के लिए बेहतर एक्सपीरियंस कार के अंदर होने वाला है। कार की सीटों को अफोर्ड सीट्स के साथ रिफिल किया गया है, जो कि बैठने के बाद पूर्ण रूप से आप सभी को काफी अच्छा कंफर्ट देने वाली है। बैठने के बाद आप सभी को काफी सॉफ्टनेस फील इस कार में आने वाली है। कार की सीटों को फोल्ड भी किया जा सकता है, फोल्ड करके एक बूट स्पेस को आसानी से मेंटेन आप कर सकते हैं, चाहे वो पीछे की सीट हो या फिर आगे की सीट हो। साथ ही साथ कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, साथ में 5 बॉसी साउंड स्पीकर ऑप्शन मीडियाटेक के साथ ये कार आप सभी की राइड को और भी ज्यादा इंजॉयबल सफर में
बनाने वाली है। ये तो हो गई इस कार के इंटीरियर तथा फीचर्स की बात, जो कि बैठने के बाद आप सभी को वाकई में ही एक प्रीमियम इंटीरियर फीचर्स वाला फील देने वाले है। इंजन तथा पावर की बात करें तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वैगनआर के अंदर सबसे बड़ा फेरबदल तो कार के इंजन में भी आप सभी के लिए किया गया है। यानी पुराने मॉडल की तुलना में अब ये कार नए दमदार इंजन के साथ परफॉर्मेंस के मामले में तथा माइलेज में भी आप सभी को फ्यूल एफिशिएंट देने वाली है। कार के अंदर यानी 2022 सुजुकी वैगनआर के अंदर R06D 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया है, जो कि पेट्रोल टर्बोचार्ज विकल्प ऑप्शन के साथ पावर को साझा करता है। ये कार ERG टेक्नोलॉजी यानी कंजप्शन गैस अपडेट ऑप्शन के साथ आती है, जिसके चलते भारत की सड़कों पर ये कार आप सभी को 92 PSP के साथ 109 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। भारत में आई नेक्स्ट जनरेशन वैगनआर के अंदर आप सभी को 5 स्पीड EMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने वाला है। इस जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंट कार के माइलेज की बात करें तो प्रति लीटर में इस कार का इंजन आप सभी को 28 से लेकर 31 किमी का माइलेज प्रदान कर पाने में भारत की सड़कों पर क्षमता रखता है, जो कि हम सभी के लिए इनलाइन इंजन के द्वारा फ्यूल एफिशिएंट इंजन को अपडेट किया गया है। साथ ही साथ आप सभी के दिलों पे राज करने वाली वैगनआर को नए कलर ऑप्शंस के साथ भी भारत में लाया जा रहा है। न्यू जनरेशन मॉडल के साथ ही जापानी कार निर्माता कंपनी यानी सुजुकी अपने लाइनअप को अपडेट करते हुए 6 नए कलर्स को शामिल करने वाली है। इस कार में अंदर आप सभी को बेहतरीन कलर ऑप्शन डुअल टोन अपडेट्स के साथ दिखाई देते हैं, जिसको आप मन पसंदीदा कलर ऑप्शंस के साथ कार को बाय कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वैगनआर को हाईटेक प्लेटफॉर्म के द्वारा अपडेट किया गया है, जिसके चलते कार की बॉडी को 60% तक स्टेनलेस स्टील से डिजाइन किया गया है, जो कि मजबूती का पैमाना इस प्लेटफॉर्म से आप अंदाजे के साथ लगा सकते हैं कि ये कार पुराने मॉडल की तुलना में काफी मजबूत साचे के साथ भारत में डट के चलने वाली है। कार को ग्लोबल NCP तथा क्रैश टेस्ट मानकों के तहत पूरे 5 की रेटिंग प्रोवाइड की है। यानी सेफ्टी के मामले में ये कार पूर्ण रूप से आप सभी के लिए वाकई में ही अपडेट की जा चुकी है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में पुराने मॉडल की तुलना में एडवांस हाईटेक सेफ्टी फीचर्स यानी 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, हील होल्ड असिस्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को अपडेट किया गया है। इस कार में पोशन स्टार्ट स्टॉप बटन, IFSO फिक्सचर लॉकिंग सिस्टम और भी ढेरों सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड तौर पे प्रीमियम कार के अंदर आप सभी को पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा दिखाई देते हैं। इस कार की कीमत तथा लॉन्चिंग की बात करी जाए तो आखिरकार नए मॉडल की कीमत ज्यादा भी मार्केट में हो सकती है। अगर मारुति सुजुकी ने अपने नए साल के दौरान ग्राहकों को इस कार में एक बड़ा अपडेट तोहफा दिया है, यानी नई जनरेशन ऑल्टो की स्टार्टिंग कीमत 3.80 लाख रुपीज से लेकर 6.90 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस जाने वाली है, जिसमें इस कार के 3 वेरिएंट ऑप्शन को लॉन्च किया जाएगा। फीचर्स के हिसाब से आप अपने वेरिएंट को आसानी तरीके से चुन सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट जनरेशन वैगनआर का इंतजार अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं तो इस इंतजार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। यानी ये कार भारत में 15 जनवरी को नए अवतार के साथ लॉन्च की जानी है। प्री बुकिंग जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट कब की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक इस कार को बुक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। मैं दूंगा आप सभी को लिंक जहाँ पे विजिट करके जानकारी लेकर इस कार को अपनी फैमिली के लिए बुक कर पाए। वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।